नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक न्यूज बार में। डिस्कस करेंगे इंफोसिस के शेयर के बारे में, बायबैक, बोनस और सबके बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग आज कितने शेयर की हुआ, 68 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई जिसमें से 52 लाख शेयर की डिलीवरी भी हुई, मतलब 76% डिलीवरी हुई। तो काफी ज्यादा अमाउंट में माल उठाया जा रहा है, किसके द्वारा उठाया जा रहा है? पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आता है, अगर कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी को उठा रहा है, ट्रेडिंग तो सब में होती है 60-65 लाख की, बट डिलीवरी होती है 30 लाख की, 25 लाख की, मतलब 40-50% कर रहा हूं। अगर 76% की डिलीवरी हो रही है 76% की, तो ये क्वेश्चन में माइंड में आना तो बहुत जरूरी है और ये पता भी होना चाहिए हमें। ये बहुत जरूरी है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, अगर वो किसी में पैसा लगा रहा है तो उसे ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि इसमें ये कितनी अमाउंट किसने उठाई है। क्योंकि अगर मान लो नॉर्मल लोग ही सारा अमाउंट उठा रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है इसके अंदर, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं, न्यूज आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप इंदौर के लोकल लोग हायर करो वरना हम आप पे केस कर देंगे। इंफोसिस को, और इंफोसिस ने कह दिया कि हम कर देंगे, क्योंकि उन्हें कंसेशनल रेट पे वहां से गवर्नमेंट से मिली थी जमीन। अब ये खबर मतलब ऐसी हो गई है कि अब अगर वहां टैलेंट है नहीं है उतना इंफोसिस के लिए, तो भी उन्हें वहां से लोग उठाने ही पड़ेंगे। ये एक नेगेटिव न्यूज है एक्चुअली में। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप फंसते हैं, और इस जाल में टीसीएस भी फंसने वाली है आने वाले टाइम में। तो टीसीएस और इंफोसिस के लिए ये एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। हर एक आस्पेक्ट पता होना चाहिए आपको किसी भी शेयर का, ऐसा नहीं है कि आपको एक पता है दूसरा नहीं पता। और एक और खबर आई थी थोड़ी सी बुरी, जिसमें क्या है, सेबी ने कहा है कि 12 लाख का फाइन वो लगा रहे हैं किसी इंडिविजुअल पे, वो भी इसलिए क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग की है उस इंसान ने इंफोसिस के शेयर, क्योंकि उसे बायबैक वगैरह का पता था। तो इसीलिए आपको ये खबर बता रहा हूं मैं, इंफोसिस ने ये किया है। तो एक और खबर है कि आज जो ट्रेडिंग हुई उसमें मैं भी बता रहा था 52 लाख शेयर की ट्रेडिंग तो हुई है, पर उसमें से इंफोसिस ने खुद ने भी खरीदे हैं 15 लाख शेयर आज के दिन। 15 लाख कल उठाए थे, 15 लाख शेयर आज उठाए हैं। तो डेली शेयर बायबैक ऑफर चल ही रहा, आपको पता है बायबैक में इंफोसिस लगातार शेयर उठा रहा है। जब तक इंफोसिस शेयर उठाएगा तब तक इसके रेट बढ़ेंगे, मतलब अब एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे वही लेवल डिस्कस करना चाहता था आज के दिन में। नेक्स्ट लेवल होगा 1700, जब तक 1700 ब्रेक नहीं करता अब मैं नहीं कहूंगा कि फ्रेश बाइंग कीजिए अब इसमें, क्योंकि मुश्किल है अब, मतलब हार्ड हो जाएगा। जैसे ही इंफोसिस का बायबैक खत्म होगा फिर इसके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, कुछ दिन तक ही नीचे आएगा। तो लोअर लेवल पे 1620 और 30 के लेवल पे मैं आपको कहूंगा कि बाय कीजिएगा इसको, उससे ऊपर अभी बाय करना ठीक नहीं है जब तक कोई नई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। तो इन्वेस्ट कीजिएगा सोच के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।